हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस बाय माउंट लकी एकेडमी सेकेंडरी स्कूल बालोत्रा। ट्रिग्नोमेटिक आइडेंटिटीज, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम ऑफ द ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज इन विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज। क्या फाइंड करना है हमें, इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। हियर वी हैव कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री एंड इन मल्टीप्लीकेशन विथ कॉट 52 डिग्री एंड कॉट 60 डिग्री एंड फाइनली वी हैव द कॉट 78 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज। क्या फाइंड करना है हमें, वैल्यूज फाइंड करना है। सो कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे, वी हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वैल्यूज। क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम अर्लियर क्वेश्चन में तो क्या करते थे, इनके रिलेशन क्रिएट करते थे ताकि एक दूसरे से ये क्या हो सके, कैंसल आउट हो सके। सो हियर वी हैव आल्सो सेट अप द रिलेशन। हियर वी हैड गिवन कॉट, ऑल दी टर्म्स आर दी कॉट, कॉट की टर्म्स है सारी। हियर कॉट 12 डिग्री, 38 डिग्री, 52 डिग्री, 60 डिग्री एंड 78 डिग्री, ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमारे पास रिलेशन जो सेटअप होते हैं वो किससे होते हैं, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे सेटअप होते हैं रिलेशन। सो वी हैव टू डिवाइड द टर्म विच गिव 90 डिग्री। हमें ऐसी टर्म को सेपरेट करना है जो सम क्या है उनका, 90 डिग्री आए और जो इजीली रिप्लेस हो सके और ट्रांसफर हो सके। जैसे हमारा कहीं पे 45 डिग्री दे रखा था है, तो हम उसे क्या करते थे, 90 माइनस 45 कर देते। 30 दे रखा है तो हम उसे क्या करते थे, 90 माइनस 60 कर देते थे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ऐसी टर्म्स को सेपरेट करेंगे जो 90 डिग्री में हो सके सेपरेट और उनका एक्सपेंड फॉर्म बन सके। हियर वी हैव 12 डिग्री, इफ़ वी डिडक्ट 90 माइनस 12, 12 को 90 में से डिडक्ट करें तो कितना आएगा हमारे पास, 78। सो दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये दोनों क्या है हमारी, लगभग सेम आ रही है, 12 डिग्री एंड 78 डिग्री। आइदर वी हैव टू कन्वर्ट 78 इंटू 12 और 12 इंटू 78। देखो 12 डिग्री को हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, 90 माइनस 78, वॉट इज द 90 माइनस 78, इट इज इक्वल टू द 12, और 78 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 माइनस 12 डिग्री। वापिस देखिए, हमारे पास 12 डिग्री है, 12 डिग्री को क्या हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 90 माइनस 78 डिग्री, 78 को क्या हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 90 माइनस 12 डिग्री। सो आइदर वी हैव टू कन्वर्ट 12 डिग्री इंटू 90 माइनस 78 और 78 को हम 90 माइनस 12 से कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे, वाई इट इज सो, बिकॉज 12 डिग्री है हमारे यहाँ पे और यहाँ पे हमारा 78 डिग्री है, इन दोनों थीटा को क्या करना है हमें, सिमिलर बनाना है। क्या करना है, सिमिलर क्रिएट करना है। सिमिलर क्रिएट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, वी कैन इजीली यूज दी कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू दी 10 थीटा। ये वाला जो रिलेशन है हम इजीली सेटअप कर सकते हैं, बिकॉज हियर वी नीड थीटा एंड थीटा शुड बी सिमिलर, ये थीटा हमारा सेम आता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एक्सपेंडेंशन 12 डिग्री और दी 78 डिग्री। 12 डिग्री और 78 डिग्री का हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉट 12 डिग्री को हम या तो चेंज करें या कॉट 78 को डिग्री को चेंज करें, कोई भी एक हम चेंज करेंगे, ठीक है। देन वी हैव cot 38, 52 एंड 60 डिग्री। अब इसी तरह जैसे हमने 12 और 78 का किया था, वैसे ही हमारे दूसरे टर्म कौन कौन सी आ रही है, देखो 38 प्लस 52 इट इज़ इक्वल टू दी 90, 38 प्लस 60 इट इज़ नॉट इक्वल टू दी 90, और इसका भी 90 के साथ रिलेशन नहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा cot 38 और cot 60, इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। 38 कैन बी रिटर्न एज दी, क्या हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, हियर वी हैव 52, तो हम 52 के साथ लेंगे, 60 के साथ नहीं लेंगे, बिकॉज जो सम है हमारे 60 के साथ नहीं आ रहा है, 52 के साथ आ रहा है, ये 38 एंड 52, ठीक है। जैसे हम 12 डिग्री या 78 डिग्री को चेंज कर रहे थे, वैसे ही हम 38 और 52 को चेंज करेंगे। 38 डिग्री कैन बी रिटर्न एज 90 माइनस 52 डिग्री, और 52 डिग्री कैन बी रिटर्न एज 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, यही हो सकता है। आइदर वी हैव टू चेंज 38 डिग्री इंटू 90 माइनस 52 और 52 इंटू 90 माइनस 38, ठीक है। सो लेट्स एक्सपेंड इट और इसको हम रिप्लेस करते हैं, कॉट 12 डिग्री, हियर वी हैव कॉट 12 डिग्री, 12 डिग्री कैन बी रिटर्न एज 90 माइनस 78, कॉट
90 माइनस 78 एंड हियर वी हैव कॉट 38. 38 कैन बी रिटन एज दी 90 माइनस 52. कॉट 90 माइनस 52. ठीक है, देन दीज टर्म आर दी सेम. अब रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी हमारे पास, सेम रहेगी. कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री एंड फाइनली कॉट 78 डिग्री. यही रहेगा हमारे पास. देखो 12 डिग्री को हमने चेंज किया 90 माइनस 78 से, और जो 38 है उसको चेंज किया हमने 90 माइनस 52 से. कॉट 90 माइनस 78 एंड कॉट 90 माइनस 52 एंड देन एंटायर ऑल द टर्म्स आर द सेम. अब क्या है हमारे पास, सेम है. एज द रिलेशन वी नो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू द टेन थीटा. कॉट 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है. सो वी हैव टू राइट हियर टेन थीटा एंड थीटा इज द 78 डिग्री. 78 डिग्री. 12 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 78, सो वी हैड रिटन 78 डिग्री. देन हियर इन मल्टीप्लीकेशन 52 डिग्री. देन एंटायर टर्म रिमेन दी सेम. फिर क्या रहेगी हमारी, जो बाकी की टर्म्स है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, cot 52, cot 60 एंड cot 78 ये हमारी टर्म्स है, सेम एज इट इज हमने यहाँ पे यूज किया. देन दिस टर्म आर चेंज इन टू दी टेन थीटा. वाई इट इज सो, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी टेन थीटा. थीटा इज दी 78 एंड 52. सो हियर वी हैड रिटन 78 एंड 52. नाउ अब देखिए, हियर वी हैव टेन 78 एंड कॉट 78. एज यू ऑल नो दैट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है हमारा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज गोइंग टू बी वन. कितना होता है हमारा, वन होता है. टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू दी वन, वेयर थीटा आर दी सेम. अब यहाँ पे हमारे क्या थीटा है, वो सेम आ रहा है. देखो टेन 78 एंड कॉट 78, थीटा हमारा सेम है. यहाँ पे टेन 52 एंड कॉट 52, यहाँ पे भी हमारा सेम है थीटा. कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास, टेन 78, हियर वी हैव टेन 78 एंड कॉट 78. ठीक है, इन दोनों को हम यूज करते हैं. 1078 इंटू कॉट 78. ठीक है, ये एक टर्म आ गई हमारे पास. इन मल्टीप्लीकेशन 1052 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री, ये एक टर्म आ गई. देन वी हैव कॉट 60 डिग्री. कितना है हमारे पास, कॉट 60 डिग्री. ठीक है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इट इज इक्वल टू दी वन. किसके इक्वल में है ये, वन के इक्वल में. टेन थीटा एंड कॉट थीटा इट इज आल्सो इक्वल टू दी वन. देखो यहाँ पे हमारा थीटा सेम है. अगर हम थीटा डिफरेंट होता हमारा, इधर होता अगर टेन 12 डिग्री और कॉट 78 डिग्री, देन देर इज ए क्या बनता है यहाँ पे हमारे पास, टेन थीटा वन एंड थीटा टू. थीटा वन एंड थीटा टू, थीटा हमारे यहाँ पे सेम नहीं होता. सो वी कैन नॉट यूज दी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू दी वन, ये हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते थे. सो दैट्स वाई वी हैड क्रिएट ए सेम थीटा. जो थीटा है हमने सेम रखने के लिए वी हैड एक्सपेंड इट. क्या क्या हमने एक्सपेंड किया, 12 डिग्री को 90 माइनस 78 में चेंज किया और 38 को 90 माइनस 52 में चेंज किया. ठीक है, ताकि हमारे जो थीटा है वो सिमिलर आ सके. सो दैट्स वाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू दी वन एंड दिस टर्म इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू वन. रिमेनिंग इज दी कॉट 60 डिग्री. रिमेनिंग क्या है हमारे पास, कॉट 60 डिग्री. ये क्या आया, वन इंटू वन इंटू कॉट 60 डिग्री, यही आया हमारे पास. अब देखिए कॉट का टेबल क्या होता है, कॉट थीटा हियर इज दी 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90. यही है. एज यू ऑल नो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू दी कॉस बाय साइन. कॉस बाय साइन होता है और डायरेक्टली हम इसको यूज भी कर सकते हैं. इसको हम डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे, टेन थीटा का क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है. और वी कैन ऑल्सो यूज दी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय दी साइन थीटा. इससे भी हम इन टेबल को फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पता है. सो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय दी साइन थीटा, व्हाट इज दी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और साइन थीटा को हम लेते हैं 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 एंड 1. हियर 1, रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 एंड 0. ठीक है, ये साइन और कॉस की आ गई. कॉस 30 डिग्री इज द रूट 3 बाय 2, सेम साइन 32 डिग्री. क्या है 32 डिग्री, हाफ. 2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज दी
वन बाय रूट थ्री, ये आ गया यहाँ से वन बाय रूट थ्री। देन 45 आर द सेम, देन इक्वल टू वन, वन आ जाएगा। देन कॉट 60 डिग्री, कॉस 60 इज द हाफ एंड साइन 60 इज द रूट थ्री बाय टू, देन फाइनली वी विल गेट रूट थ्री। ठीक है, यही आ जाएगा रूट थ्री। एंड यहाँ पे हमारा कितना आएगा 90 डिग्री पे 0 बाय वन इज इक्वल टू दी 0। ठीक है, ये आ गई हमारे कॉट थीटा की टेबल। और डायरेक्टली वी कैन लर्न आल्सो, इनफाइनाइट आता है 0 डिग्री पे, 1 बाय रूट थ्री आता है 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे 1, रूट थ्री 60 डिग्री, और 90 डिग्री पे आएगा हमारा 0। सो वी हैव टू यूज कॉट 60 डिग्री। व्हाट इज द कॉट 60 डिग्री? कॉट 60 डिग्री इज द रूट थ्री। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आई? रूट थ्री। ये है इस एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू, क्या है? रूट थ्री कॉट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे कॉस 60 एंड साइन 60, कॉस 60 इज द हाफ, साइन 60 देखो हाफ एंड रूट थ्री बाय टू, टू टू गेट कैंसल, फाइनली वी विल गेट वन बाय रूट थ्री। हियर इज द 30 डिग्री, 30 डिग्री पे क्या है हमारा? रूट थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय द हाफ, टू टू, एंड वी विल गेट रूट थ्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा? रूट थ्री, एंड हियर वी विल गेट वन बाय रूट थ्री। सो फाइनल आंसर विल बी वन बाय रूट थ्री। क्या आएगा हमारा? वन बाय रूट थ्री। देखिए फिर से रिपीट करते हैं, कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री एंड कॉट 78 डिग्री। हमें क्या करना है? इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू cot 12 डिग्री एंड cot 78 डिग्री। इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। 12 डिग्री कैन बी रिटन एज दिस, 78 डिग्री कैन बी रिटन एज दिस। आइदर वी हैव टू चेंज 12 डिग्री और दी 78 डिग्री, कोई भी एक इसमें से चेंज होगा। सिमिलर फॉर दी 38 एंड 52 डिग्री। ठीक है, इसमें चेंज किया हमने 12 डिग्री को 90 माइनस 38 डिग्री, यहाँ पे 38 डिग्री को चेंज किया 90 माइनस 52 डिग्री। तो हमें यहाँ से क्या मिला? cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी 10 थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी 10 थीटा, थीटा 52 डिग्री, थीटा 78 डिग्री। अब 10 थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा हमारा? 1 होगा। थीटा इज इक्वल टू दी सेम, दोनों का थीटा क्या हमारे पास? सेम है। सो दैट्स वाई वी यूज 10 थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू दी 1। हियर 10 थीटा एंड cot थीटा यहाँ पे भी हमारा सिमिलर आ रहा है, सो हियर वी हैव ऑल्सो इक्वल टू दी 1, यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। एंड रिमेनिंग क्या है हमारे पास? cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री इज द रिमेनिंग। सो वी हैव टू फाइंड द cos 60 डिग्री बाय द टेबल। इस टेबल से हम फाइंड करेंगे cos 60 डिग्री की वैल्यू। सो cos 60 डिग्री वी विल गेट 1 बाय रूट थ्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 5। यही था आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, इन विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज। इस पूरे एक्सप्रेशन की हमें क्या करनी है? वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।